सामने वाले से मोला डीजे सेटअप इधर है, देख सकते हो इधर। हेलो गाइस, देख सकते हो व्यू। अबे तू कम सूरज ज्यादा दिख रहा है बे। देखो तो गोरा वोरा हुआ कि नहीं हुआ ना गोरा। डीजे सागर बताओ कि आपको डीजे में जब भी आते हो अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है, तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज का होता है, सबसे कठिनाई काम क्या होता करेंगे दारू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है इस 12 बेस और 10 आरपी का सेटअप, जिसमें भाई जा रहा है डीजे विनायक को ऑपरेट करने और मैं जा रहा हूँ दीपक लाइट, देख रहे हो ना आज ये दीपक लाइट का लाइटिंग ऑपरेट करने मैं जा रहा हूँ। तो आज इसी के साथ आज बिलासपुर के बैमा नंगोई में जा रहे हैं बारात का निकासी, और उसके बाद फिर बारात का स्वागत करेंगे, फुल इंजॉय कराएंगे। क्यों डीजे सागर, बिल्कुल फुल माहौल बना देंगे आज। भाई का 10,000 सब्सक्राइबर हो गया है, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी सब्सक्राइबर को कि आज मेरा 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है। बने रहो इस वीडियो में एंड तक, और इसमें भी फुल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना जो नए हमारे व्यूअर हैं। तो बस कंटिन्यू रहो इस सेटअप के साथ जो देख रहे हो आप, विनायक एंड दीपक लाइट, और मैं हूँ अभी डीजल टैंक में। उधर ये है ऑनर ऑफ डीजे विनायक जो डीजल विजल डलवा रहा है, और अब चलेंगे सिस्टम में। ये देखो डीजल विजल डल रहा है और जनरेटर में भी, इधर देखो पाइप पाइप चढ़ गया है तो थोड़ा सा डीजल विजल डाल रहे थे। देखो गोलू डीजे गोलू भाई जनरेटर में डीजल डाल रहा है, बताओ डीजल डीजे गोलू डीजल गोलू बोल रहा है डीजे गोलू ऑपरेटर मेन यही है हेड। क्यों गोलू आज मचाएंगे। ये देखो 220 का जनरेटर है, इसमें डीजल डाल रहा है। उसके बाद फिर अपन चलेंगे इस सिस्टम में, तो चलो एंजॉय कराते हैं बरातियों को। तो जिनका जिनका ख्वाहिशें रहती है कि डीजे विनायक चाहिए, तो आज डीजे विनायक के साथ फिर आज अपन चल रहे हैं इधर, ठीक है। और इधर देखो फुल फोटो वोटो शूट चल रहा है डीजे सागर के साथ, और ये ऑनर ऑफ डीजे विनायक का मोबाइल है। तो डीजल विजल डलवा के निकल गए हैं ऑनर, मैं और डीजे सागर के साथ, धूप धूप में थोड़ा सा दिख नहीं रहे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा गोरा ना रहे हैं ना, तो धूप हम लोग को काला नहीं कर पा रहा है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा छाया कर भाई। तो चलो अभी जा रहे हैं कहाँ, बेड़ा कहाँ जा रहे थे, हेलो पता नहीं, कोई अजीब सा गांव है, वहाँ से बारात निकालेंगे बैमा नंगोई के आगे से, बिलासपुर में ही है जो, वहाँ के बारातियों को नचाएंगे 12 बेस और 10 आरपी के साथ। बड़ा गजब पेड़ है यार, देख रहे माऊ टॉप। फाइनल अपन भाड़ी गांव पहुंच गए हैं और भाई हम लोग को लेने के लिए आया है, ये आगे आगे जा रहा है और हम लोग पीछे पीछे जा रहे हैं अपना डीजे गाड़ी लेके। और इधर फुल हरियाली का मौसम है, आराम से चलाना है यार, हरियाली का मौसम इधर देखो, तालाब है पेड़ वेड़ है तो अच्छा लग रहा है। तो इस मुकाम पे आए हैं कि अभी डीजे वालों का इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो पहला इंटरव्यू हमारे डीजे सागर जो डीजे विनायक को ऑपरेट करता है, तो इनसे सवाल पूछेंगे कि अच्छा डीजे सागर बताओ कि आपको डीजे में जब भी आते हो अलग अलग एरिया में जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ का होता है, सबसे कठिनाई काम क्या होता है। अपने लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि जो चीज़ हमको चाहिए उस गाँव में मिलता नहीं है। क्या नहीं मिलता है, नहीं नहीं वो बताएंगे नहीं। तो क्या दिक्कत में पड़ जाएंगे बताएंगे तो। प्लस ये है कि भाई आप लोगों से निवेदन है कि जब भी ऑपरेटर के पास गाना लगवाने जाओ मुंह का सुपारी निकाल के बात करो उससे, गड़बड़ा जाता है। क्या बोलते हैं ना, क्लियर समझ में नहीं आता है। अच्छा, और ये हम लोग लड़के घर पहुंच गए हैं, देखो इधर टेंट वेंट लगा है और अभी यहाँ भी कुछ समस्या है, जैसे कि देख सकते हैं पतला गली है और तार है बहुत ऊपर में, खड़ा मत होना। तो इसके लिए नीचे कमेंट करके बताना। लड़के अगर पहुंच गए हैं यहाँ से बारात निकासी करेंगे, रोक दो भाई। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच गए स्पॉट पे, पीछे सिस्टम है और इधर लड़के का घर और दूल्हा खुद वहाँ पर खड़ा है ब्रश व्रश करते, और हम लोग जा रहे हैं इधर तरिया तरिया होता तो तालाब।
ये रोड में जा रहे हैं एकदम नेशनल हाईवे NH 30। इस हाईवे में हम लोग जा रहे हैं, तालाब में मुंह धोएंगे, कूद कूद के नहाएंगे और हम लोग का डीजे सेटअप इधर है, देख सकते हो इधर। हेलो गाइस, देख सकते हो व्यू। अबे तू कम, सूरज ज्यादा दिख रहा है बे। यहाँ पे मेरा ही पोपट करने मिला था इसको। तो चलो तालाब में कोशिश करेंगे नहाने का, क्योंकि सागर नहाया नहीं है ना, मैं तो नहा के आया हूँ सुबह सुबह। इसका हालत तो अच्छे से देखो, ये घर से बाहर गाड़ी धुलवाने के लिए निकला था, बाकी इसको जबरदस्ती डीजेम खींच के लेके आया गया है। नहीं भाई, मैं गाड़ी बनवाने आया हूँ। घर के सामने तालाब है। हाँ, घर के डीजे के सामने घर है और डीजे के बगल में इधर तालाब है। घर के सामने पहुँच गए हैं और घर के सामने तालाब है, सब यही है, सब यही है। क्या चाहते हो? अरे तुम बोला क्या चाहते हो? ये फ्रेश वाले भूरे पानी में नहाना नहीं है, मुंह बस धोना है। इधर देखो डीजे सागर कैसे धो रहा है। अब इधर से सूर्य किरण आ रहे रे। तो अभी मैं भी धोऊंगा इसके धोने के बाद, क्योंकि अभी लाइन लगे हैं सबके सब, और पीछे और भी हैं, उनको नहीं दिखाएंगे, वो लोग बेकार आदमी है ना। हाँ बहुत मजा आ रहा है इधर, मन तो है नहाने का, लेकिन टॉवल वावल कुछ लेके आए नहीं है ना। अभी आराम से लेना साले, इंश्योरेंस नहीं है। इसका हरकत है और भाई काला है, गोरा होने की कोशिश में लगा हुआ है करिया के बीच में आके। कैसा लग रहा हूँ ब्रो? तमाशा। तो एंटीक पीस जगह चुना गया है, टापू के पहले धोना है। अभी कैसे नहीं छूटा थे भैया, तो फिर साबुन न हो वो। देखो तो गोरा वोरा हुआ कि नहीं हुआ ना गोरा? नहीं नहीं माँ, मुझे कहा माँ मुझे गोरा काहे नहीं बनाया? अरे रात में हो गया तो साले गोरा कैसे होगा? तुझे गोरा बनाती तो तू मैला हो जाता। व्यू देख सकते हो इस भूरे भूरे पानी में, ये भुरवा आदमी मुंह धोया है। कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक, मजा आ गया, बहुत यार अच्छा लग रहा है। अभी सिस्टम का प्रोग्रामिंग करेंगे, अभी दूल्हा भी रेडी नहीं हुआ अभी, और इधर कार भी सजाया जा रहा है, तो प्रोग्रामिंग करते हैं अभी। सामने वाले से मुलाकात।